तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो भाई साहब, पृथ्वीराज सुकुमारन की मच अवेटेड मूवी का टीज़र आ चुका है और अभी शाम को 6 बजे आया। और ठीक इससे थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया ही है कि भाई इसका टीज़र आने वाला है शाम को 6 बजे तक। फिलहाल आ चुका है तो इस टीज़र का रिव्यू कर लेते हैं। फिलहाल मूवी का नाम है गुरुवायूर रामबाला नडाइल। यार थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा नाम है इसलिए मुझे देख के पढ़ना पड़ रहा है। मूवी जो है खुद पृथ्वीराज सुकुमारन के प्रोडक्शन में बनी है। मूवी की जो स्टार कास्ट है, देखो मूवी के अंदर आप लोगों को योगी बाबू, पृथ्वीराज सुकुमारन, बासिल जोसफ, निखिल वेमिल, ये मेन किरदार में दिखेंगे। मूवी को डायरेक्ट करवाया है विपिन दास साहब से, पृथ्वीराज सुकुमारन ने, और मूवी पृथ्वीराज सुकुमारन के प्रोडक्शन में बनी है। मूवी का टीजर दोस्तों 1 मिनट 49 सेकंड का है, 1 मिनट 49 सेकंड का। मूवी की रिलीज डेट अभी यहाँ पे सामने पूरे तरीके से नहीं आई है, आती तो मैं आपको जरूर बताता। फिलहाल इसके टीजर का इंतजार रहेगा। बात करते हैं टीजर के ऊपर। एंड देखो भाई, टीजर प्रॉपर यहाँ पे कॉमेडी वे में जा रहा है और मैं पहली बार पृथ्वीराज सुकुमारन को कॉमेडी लेवल पे देख रहा हूँ। मूवी के अंदर पृथ्वीराज सुकुमारन कॉमेडी भी कर रहे हैं, थोड़े से गुस्सेल वाले लग रहे हैं। लास्ट में एक सीन दिखा जो थोड़ा सा मुझे गुस्से वाला दिखा, आंखों में गुस्सा था थोड़ा सा। जिनका जो कैरेक्टर होने वाला है वो होने वाला बलवान टाइप का, यानी कि थोड़ा सा रुबाव होता है ना, भरम टाइप बंदा है और इससे सब लोग डर के रहते हैं, कुछ इस तरीके का रोल होने वाला है। मूवी के अंदर 3 लड़के हैं जो कि काम करते हैं बहुत ही छोटा, कार्डबोर्ड छापने का, जैसा टीजर में लगा है। मूवी के अंदर देखो सारी चीज़ें प्रॉपर वे में आप लोगों को सारी चीज़ें मज़ा आएंगी, सारी चीज़ें यानी कि कॉमेडी, थोड़ा सा रोमांस भी दिखाया जाएगा, थोड़ा सा यहाँ पे भाई एक्शन भी होगा जिस लेवल पे जो है थोड़ा बहुत होगा। जैसे कि हमने एक मूवी देखी थी गोलमाल टाइप, कुछ इस तरीके का दोस्तों यहाँ पे गोलमाल टाइप, एंड बोल बच्चन जिसमें अजय देवगन का जो एक भारी भरकम रोल होता है, कुछ मुझे उसी तरीके का यहाँ पे पृथ्वीराज सुकुमारन का रोल लग रहा है, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। बाकी यह है कि प्रॉपर कहानी तो समझ में अभी ठीक से नहीं आई, कहानी पकड़ में नहीं आई, आगे जब इसका ट्रेलर आएगा तो उससे कुछ यहाँ पे समझ में आएगी। लेकिन अभी यहाँ पे साफ साफ लग रहा है कि हाँ भाई मूवी एवरेज से ऊपर जाने वाली है, यानी कि अभी तक पृथ्वीराज सुकुमारन ने जितनी भी मूवीज दी हैं ये मूवी एक अलग लेवल की है। थोड़ा सा पृथ्वीराज सुकुमारन अलग लेवल में गए हैं, अलग लेवल पे काम कर रहे हैं। उन्होंने लगा कि यार सीरियस मोड बहुत हो गया, अब थोड़ा सा कॉमेडी भी करते हैं ताकि पब्लिक को यहाँ पे हर तरीके से मैं एंटरटेन करता रहा। हर कोई चाहता है, हर एक्टर चाहता है कि मैं हर तरीके की मूवी करूँ, हर तरीके का यहाँ पे पब्लिक को एंटरटेन करूँ, ताकि पब्लिक ये ना सोचे कि यार ये तो एक ही तरीके की मूवी करता है। तो फिर पब्लिक का जो एक माइंड सेट हो जाता है वो एक ही वे में हो जाता है कि यार ये तो एक ही तरीके की मूवी करता है। तो ये हर एक्टर चाहता, हर अच्छा एक्टर यही चाहेगा कि मैं हर तरीके की मूवी करूं। जब भी देखो पृथ्वीराज सुकुमारन ने खुद भाई स्टोरी आई, खुद यहां पे उन्होंने सोचा कि चलो हम खुद पैसा लगाते हैं मूवी बनाते हैं। और देखो मलयालम में ज्यादा पैसा नहीं लगता है, सिर्फ और सिर्फ वहां पे प्रॉपर वे में जितना जिसको चाहिए ना उतना ही मिलता है, ज्यादा जो है चमक धमक पे काम नहीं होता। प्रॉपर यहां पे एक दो घर में मूवी बनी है, ज्यादा बजट मुझे लग भी नहीं रहा। फिलहाल इसका बजट अगर आएगा तो मैं आपको यहां पे जरूर बताऊंगा। टोटल टीजर दोस्तों मुझे काफी अच्छा लगा। टीजर की ड्यूरेशन 1 मिनट 49 सेकंड की, कॉमेडी वे में मूवी है, कदम कदम पे आप लोगों को यहाँ पे कॉमेडी लग रही है। हालांकि मलयालम लैंग्वेज में टीजर आया हुआ है, हिंदी में नहीं आया हुआ, लेकिन आपके भाई ने फिर भी जितना समझने की कोशिश करी मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताने की पूरी पूरी कोशिश की है। फिलहाल आप लोगों को टीजर कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताएं। तो मिलता हूं आपसे अगली किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।